दोस्तों भारत ने वेस्टइंडीज को चौथे T20 मैच में बुरी तरह हराकर इस T20 मैच में कर ली जबरदस्त वापसी। अब वेस्टइंडीज की टीम का हारना हो गया तय। जी हां दोस्तों, भारत वेस्टइंडीज की टीम के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला जा चुका है, जहां दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम ने काफी कमाल का प्रदर्शन करा। जहां इस T20 मैच से पहले भारत की टीम इस T20 सीरीज में वेस्टइंडीज से 2-1 से पीछे चल रही थी और भारत को ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। और जब ये मुकाबला आज USA के फ्लोरिडा स्टेडियम में खेला गया तो इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। और दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच में शानदार बैटिंग करते हुए 178 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था 8 विकेट के नुकसान पर। जहां इस T20 दौरे पर अब तक का ये सबसे बड़ा टोटल था। और इस मैच में अर्शदीप सिंह को जहां 3 विकेट हाथ लगी थी तो कुलदीप ने 2 विकेट चटकाए थे, तो मुकेश चहल और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट हाथ लगी थी। जहां इस मैच में वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाए थे, तो हिड मायर ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को चौथा T20 मैच जीतने के लिए 179 रनों का टारगेट दिया था। और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो भारत की तरफ से जायसवाल और शुभमन गिल टारगेट का पीछा करने उतरे थे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही वेस्टइंडीज के ऊपर हमला कर दिया था। और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से पावर प्ले में ही भारत का स्कोर 66 रन तक पहुंच गया था। और भारत की टीम इस मुकाबले में इन दोनों की मदद से काफी तेजी से रन बना रही थी, जहां एक के बाद एक जायसवाल और शुभमन गिल एक के बाद एक बड़े शॉट खेल रहे थे। और हमें शुभमन गिल के बल्ले से तो इस मैच में कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि शुभमन गिल के इससे पिछले तीनों के तीनों T20 मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने पूरी तरह वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को धोखे रख दिया, क्योंकि शुभमन गिल ने सबसे पहले 30 गेंदों में अपने 50 रन पूरे करे थे। तो दोस्तों इसके बाद जायसवाल ने भी 33 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और उनके T20 करियर का ये पहला ही अर्धशतक था, जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारत का स्कोर 10 ओवर तक 100 रन तक पहुंच गया था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 165 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी और भारत की जीत को पूरी तरह पक्का कर दिया था। जहां सबको लग रहा था कि भारत की टीम ये मुकाबला 10 विकेटों से जीतेगी, लेकिन तभी 165 रन के स्कोर पर शुभमन गिल एक छक्का जड़ने की कोशिश में रोमारियो सरफट की गेंद का शिकार बने और वो 47 गेंदों में 5 छक्के 3 चौकों की मदद से 77 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जाउन के आउट होने के बाद जायसवाल का साथ देने तिलक वर्मा उतरे, लेकिन इसके बाद भारत की टीम ये मुकाबला 17वें ओवर में ही जीत गई थी, वो भी 9 विकेटों से। और इस मुकाबले में जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन करा। उन्होंने 51 गेंदों में 11 चौके 3 छक्कों की मदद से 84 रनों की शानदार पारी खेली थी और वो नॉट आउट रहे थे, तो तिलक वर्मा ने भी 7 रन बनाए थे। ऐसे में दोस्तों भारत की टीम ये चौथा T20 मैच 9 विकेटों से जीतकर इस सीरीज में 2-2 की बराबरी कर चुकी है। और दोस्तों चौथे T20 मैच में जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया उनकी शानदार बैटिंग के लिए।